मेरे पत्रकार साथी, हर चुनाव इंटरेस्टिंग होता है और जिस क्षेत्र के बारे में आप बोल रहे हैं मैनपुरी, मैं आपसे कहना चाहता हूं ये वही मंत्री हैं जो कुछ दिन पहले खुद ही सपा को लाखों वोट से जिता रहे थे। और हम तो एक सच्चाई जानते हैं, जो मंत्री होता है उसे सांसद के रूप में दिल नहीं लगता है। पता नहीं बीजेपी के लोगों ने क्यों उनको दिल का तोड़ने का काम किया है, और हो सकता है वो उन्हें इसलिए चुनाव लड़ाए जा रहा हो कि बाद में कुछ और बड़ा पद मिले उन्हें। क्या कोई बेहतर प्रत्याशी नहीं मिल पा रहा था? ये तो आप बेहतर आकलन कर सकते हैं, लेकिन जनता इस बार चुनाव लड़ रही है। जनता जिस तरीके से देख रही है कि जो हमारा देश दुनिया में बढ़ता हुआ नजर आना चाहिए था, आज हमारे देश की स्थिति क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या है, डॉलर के तुलना में रुपया कहाँ खड़ा है, दुनिया में कितना इन्वेस्टमेंट भारत में आ रहा है, या बेरोजगारी स्तर क्या है हमारा, हमारे यहाँ कानून व्यवस्था क्या है, प्रेस को कितनी आज़ादी है, गरीबी के सूचकांक में हम कहाँ खड़े हैं, हेल्थ के पैरामीटर्स में हम कहाँ खड़े हैं, इन सभी सवालों पे इस बार जनता वोट डालने जा रही है। और साथ ही साथ जो सीमाएं हैं हमारी, वो सीमाएं क्यों सिकुड़ रही हैं? एक समय था जब रिजांगला की मेमोरियल को लेकर के हमें गर्व होता था कि हमारी फौज आखिरी गोली और आखिरी सोल्जर्स लड़ाई लड़ी जिसने और ज़मीन बचाई, वो हमारा रिजांगला भी छिन गया है। जहां हम त्यौहार मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, वहीं हमें ये भी चिंता करनी है कि हमारा सीमाओं पर असुरक्षा बढ़ी है। आप और राहुल जी चुनावी मंचों में, रैलियों में कब साथ दिखाई देंगे? यहाँ राय साहब साथ दिख रहे हैं आपके। हम लोग अभी साथ हैं, बाद में भी साथ दिखाई देंगे, और आपको अच्छा लगेगा जब इंडिया गठबंधन जीतेगा। सर आज बड़ा दिन है। और मैं ये जानता हूँ कि मनी मन आप भी चाहते हो इंडिया गठबंधन जीते। एक साथ कब मंच पे आ रहे सर चुनावी रैली में? बहुत जल्दी आप देखेंगे। अभी दिल्ली में भी हम लोग एक साथ थे मंच पर, पहले भी मंच में एक साथ थे, और बहुत जल्दी एक साथ मंच पे दिखाई देंगे। देखिए ये आना जाना चुनाव से पहले और चुनाव के बाद तक लगा रहता है, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, देश की जनता बदलाव चाहती है, परिवर्तन चाहती है, और परिवर्तन होके रहेगा ये जनता ने मन बना लिया है, इसलिए इंडिया गठबंधन जीतेगा। और सबसे बड़ा सवाल तो आपको पूछना चाहिए, हमारा गठबंधन इंडिया है। जो हिंदी न समझते हों, अंग्रेजी न समझते हों, उन्हें कम से कम इंडिया गठबंधन को इंडिया गठबंधन तो बोलना चाहिए। पीडीए को लेकर ब्रिजेश पाठक कह रहे पर क्या नाम, पब्लिक डेवलपमेंट अथॉरिटी बता रहे बार बार पीडीए को, परिवार डेवलपमेंट। देखिए उन्हें भी कुछ आता जाता नहीं है, उन्हें भी कुछ आता जाता नहीं है। जिस विभाग के मंत्री हैं, आप किसी अस्पताल में चले जाओ, मरीज बाहर बैठा हुआ है।